नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई शहर थम गया है। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर उपनगरों ठाणे और नवी मुंबई के क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ा है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में हो तेज बारिश के चलते एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के अंधेरी इलाके में जल भराव के कारण अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया है। हाल ही में सामने आ रही खबरों के मुताबिक नवी मुंबई में झरने में 4 छात्राएं बह गई हैं, जिसके बाद अभी एक का ही शव बरामद हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर सहित उत्तरी कोंकण इलाके में अगले 6 घंटे तक भारी बारिश जारी रहने वाली है, जिसके चलते सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार, असम, मेघालय, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में बारिश ने तांडव मचा रखा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर बारिश की वजह से गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि मुंबई में सुबह हुई जोरदार बारिश से 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। इतना ही नहीं, भारी बारिश के चलते मुंबई गोवा हाईवे पर लैंडस्लाइड के कारण बंद कर दिया गया है। वहीं नई दिल्ली में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तटीय इलाकों में कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।